So this is the topic today. We'll discuss some calculation techniques and we'll use some techniques of Vedic maths also. By using Vedic maths and some other techniques, we'll try to simplify your calculation and it will be helpful in your quantitative aptitude as well as your data interpretation. उससे पहले मैं टोटल जो हमारा एजेंडा रहेगा 10 लाइव क्लासेस का वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सही से. आज हमारी पहली क्लास है विच इज दिस वन. आज हम कैलकुलेशन टेक्निक्स डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास विल मूव ऑन टू परसेंटेज के बाद विल मूव ऑन टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, उसमें एलिगेशंस भी आ जाएगा. तो ये पूरा क्यूए के चार टॉपिक रहेंगे. उसके बाद नेक्स्ट थ्री क्लासेस विल बी ऑफ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें जो सबसे ज्यादा परेशान करता है स्टूडेंट्स को दैट इज मेन आइडिया एंड द क्वेश्चन ऑन टोन्स, ये हम डिस्कस करेंगे. देन विल डू सम प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि एक्चुअल लेंथी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे, वो हम क्लास सिक्स में डिस्कस करने वाले हैं. Please keep yourself on mute. In class 7, we'll start with parajumbles. जो हमने एक YouTube पे वीडियो भी डाली थी, we'll build upon that और उसके थोड़े advanced level पे हम जाएंगे in class 7. Then last three classes will be of LR and DL. तो इसमें हम सीरीज कंप्लीशन कोडिंग एंड डिकोडिंग, दिस इज फोकसिंग ऑन अदर मैनेजमेंट एग्जाम लाइक ZAT, IIFT, SNAP, NMAT एंड ऑल. एंड क्लास 9 विल बी ऑन DI एंड क्लास 10 विल बी ऑन कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स इन LR. दो कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज इसमें होंगी. वन, आई विल गिव यू अ बुक, ई बुक आपको मैं ग्रुप पे मेल कर सेंड कर दूंगा. And then you will be able to read the book and write the review of the book, जो कि मुझे आप send करेंगे. जो लोग live classes वाले group में उनसे मैं जबरदस्ती करा लूँगा. बाकी के लिए optional रहेगा. Secondly, I'll send you a link of a movie. It's not for entertainment, तो खुश मत होइएगा. ये educational movie होगी. And you'll watch that movie and finally you will write the review of the movie. Again, it is optional for other people, but those who are in the live classes, उनके लिए mandatory होगा. उसके अलावा एक और एक्टिविटी मैंने आज ही इसमें ऐड करने का सोचा है, which is daily I will send something on the live classes वाले group. उसमें I will post one RC daily, जिसको आपको सॉल्व करना होगा. Then we'll discuss the answers of that RC. Next day I'll discuss one LR or DI का set. Similarly, next day we'll solve some quantitative aptitude question. तो ऐसे करके एक एक दिन विल आई विल ट्राई टू पोस्ट समथिंग ऑन द ग्रुप, देन द मेंबर्स हैव टू आंसर एंड विल डिस्कस द सॉल्यूशन. दैट विल बी द ओवरऑल एजेंडा ऑफ दिस क्लास. तो आज का हम एजेंडा स्टार्ट कर देते हैं कैलकुलेशन टेक्निक से. एंड टिल द एंड ऑफ द क्लास रिमेंबर, कोई भी अपनी जगह से नहीं रहेगा, अदरवाइज देख लेना शक्तिमान है यहाँ पे. सो सबसे पहले बात कर रहे थे स्क्वायर्स की. How to calculate square of a number? इसके लिए आपको 20 तक के स्क्वायर आई वुड सजेस्ट यू नीड टू रिमेम्बर. उसके लिए आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए टिल द नंबर 20. उसके बाद के स्क्वायर कैसे निकालने हैं वो आज हम देखेंगे. सबसे पहले जो ट्रिक है दैट इज ऑफ द नंबर्स एंडिंग विद 5. अब एक चीज मुझे बताइएगा, यहाँ पे नंबर को मैंने एन ओ क्यों लिखा है? यूजुअली हम नंबर का एब्रीविएशन एन ओ लिख देते हैं. नंबर की स्पेलिंग अगर देखें तो दैट इज एन यू एम बी ई आर. ओ तो कहीं नहीं आता इसमें. सो कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाई डू वी राइट द एब्रीविएशन एज एन ओ वेयर एज द स्पेलिंग डजंट हैव दिस ओ. चैट बॉक्स में टाइप कर देना. Because I can only see the chat box. मेरे स्क्रीन जो है फुल स्क्रीन पे है, so I cannot see anything else. The question is number की spelling है N U M B E R, number की abbreviation है N O.
O is nowhere in the spelling, but still in the abbreviation we are writing NO. Why is it that? Shreyas is saying that it's a Latin symbol. So what is the word? So Vijay is finally giving the answer. The word is numero. Numero uno suna hoga apne. Ek brand ka bhi naam hai. Which means number one. तो numero से आया है number और numero का short form है NO. खैर that's not the agenda of our discussion. हम बात कर रहे हैं ऐसे square की which end with five. ऐसे numbers के square की. For example, 15 है हमारा. 15 का square वैसे तो मैंने बोला कि याद ही रखेंगे. But still for the understanding I'm explaining. तो जो भी नंबर 5 से एंड करता हो सबसे पहले उसके स्क्वायर में 25 लिख देना लास्ट में. 25 किस लिए? क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है. तो व्हेनेवर ए नंबर एंड्स विद 5 इट्स स्क्वायर ऑलवेज विल एंड विद 25. ये ध्यान रखिएगा. अब जो लेफ्ट में नंबर बचा 5 का स्क्वायर तो हमने यहाँ पे लिख दिया 25. जो लेफ्ट में नंबर बचा ये नंबर और इससे अगला नंबर ले लीजिए. तो 1 था 1 के बाद आएगा 2. इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई. तो 2 into 1 दैट इज 2. So that will be 225. I am repeating it again with the help of another example. So 25 क्या कर बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है जो भी 5 से एंड होगा उसके लास्ट में हमेशा आएगा 25. और जो लेफ्ट में नंबर बचा वो नंबर और उससे अगले नंबर का मल्टीप्लीकेशन. तो 2 था 2 से अगला नंबर 3. 3 into 2 would be 6. The answer would be 625. अब बताइए 35 सॉल्व करके इसका स्क्वायर क्या होगा एंड टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स. सो इट्स क्वाइट इजी. मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर. सम ऑफ यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर ऑल्सो. सो 5 का स्क्वायर होगा 25 जो कि लास्ट में आ जाएगा. लेफ्ट में बचा 3. 3 से अगला नंबर होगा 4. 4 इंटू 3 इज 12. दैट इज 1225. 65 पे आ जाते हैं आप. 65 का आंसर बताइए क्या आएगा. फोर टू टू फाइव. मोस्ट ऑफ यू आर टाइपिंग 4225. So 5 square is 25. Left में बचा 6. 6 से अगला number 7. 7 into 6 is 42. So 4225. अब आया 105. 105 में क्या आएगा. Same approach हम use करेंगे. 5 का square 25 last में आ जाएगा. लेफ्ट में बचा है अब 10. ये ध्यान रखिएगा 10 से अगला नंबर होता है 11. 11 इंटू 10 दैट इज 110. 11025. और अब आ गए हम सिक्स वाले पे 995. तो 995 का आंसर क्या आएगा. यस मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग इट करेक्ट. 5 का स्क्वायर लास्ट में आएगा 25. लेफ्ट पे बचा 99. उससे अगला नंबर होगा 100. 100 इंटू 99 दैट इज 9900. तो 5 से जो नंबर एंड होते हैं उनकी ट्रिक बड़ी सिंपल है. उसमें आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ 5 का स्क्वायर लास्ट में रख देना. जो लेफ्ट में नंबर बचा वो नंबर और उससे अगले नंबर का मल्टीप्लीकेशन दैट्स इट. अब थोड़ा अगली ट्रिक पे आते हैं. जो नंबर 5 से एंड नहीं होते उनका क्या करें. तो उसके लिए पहला मेथड जो हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज बेस मेथड. बेस मेथड में विल टेक अ बेस एंड बेस विल ऑलवेज बी इन द पावर ऑफ 10. तो 10 बेस हो सकता है 10 स्क्वायर हो सकता है यानी 100. 10 क्यूब हो सकता है 1000. हमेशा 10 की पावर में चलेगा बेस. ये ध्यान रखिएगा. अब इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ. पहला है हमारा 96 स्क्वायर. तो जो भी नंबर है सबसे पहले देखिए उसके क्लोजेस्ट 10 की पावर कौन सी है. 96 के क्लोजेस्ट 10 की पावर है 100. तो यानी बेस हो जाएगा हमारा 100. तो इस नंबर को आप बेस की फॉर्म में लिख लीजिए. 96 को आप 100 की फॉर्म में कुछ बनाएंगे तो 100 माइनस 4 लिखा जा सकता है इसको.
96 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 4, माइनस 4 मैंने बीच में लिख लिया है फॉर द टाइम बीइंग। अब क्या करेंगे, जो बीच में नंबर लिखा हुआ है इसका कर दीजिए स्क्वायर। आई होप यू आर टेकिंग योर नोट्स, क्योंकि बाद में ध्यान नहीं रहेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हमने 100 माइनस 4 लिखा 96 को, 96 और बीच में जो नंबर लिखा हुआ है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। अब इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 96 जो है नंबर था और बीच में जो लिखा हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन आप एज इट इज देख लीजिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो 96 माइनस 4 दैट इज 92, वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो द आंसर टू दिस एक्सप्रेशन वुड बी 9216। दोबारा से रिपीट कर देता हूं मेथड अगले एग्जांपल से, 104। तो 104 को अगेन सबसे पहले चेक करेंगे बेस क्या लेंगे, बेस वुड बी 100। अब इसको बेस की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 100 प्लस 4, प्लस 4 को बीच में लिख लेंगे, जो बीच में वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो प्लस 4 का स्क्वायर 16, वो लास्ट में आ जाएगा। अब ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू देखिए एज इट इज क्या आएगी, 104 प्लस 4 दैट इज 108, वो आ जाएगा लेफ्ट साइड में, दैट इज 10816। तो ये बेस मेथड होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम स्क्वायर करेंगे तो ध्यान रखिएगा जितनी जीरो बेस में होंगी उतनी ही डिजिट हमें यहाँ पे लिखनी है राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे दो जीरो थी तो हम दो डिजिट लिखेंगे, अगर तीन जीरो होती तो तीन डिजिट लिखते, वो आगे के एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। अब 23 में क्या करें, 23 को या तो मैं 10 प्लस 13 लिखूं, या मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 10 + 3, क्योंकि हमें बेस की फॉर्म में इसको बनाना है। अब आगे क्या करेंगे, वही सेम अप्रोच, जो बीच में नंबर लिखा हुआ है इसको स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ पे एक जीरो है, एक ही डिजिट है, तो दैट सेटिस्फाइज आवर कंडीशन। अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखें, 23 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 26। लेकिन एक चीज यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे बेस के साथ एक नंबर मल्टीप्लीकेशन में है। अगर पहले एग्जाम्पल में देखते तो सिर्फ 100 था दोनों में, यहाँ पे बेस की जो वैल्यू है उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज 2। तो जो भी वो नंबर है उससे फाइनली आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 26 आया था उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो द आंसर वुड बी 529। अब बताइए 36 का स्क्वायर क्या आएगा, कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। Someone is asking to repeat third one. तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ 23 का। 23 को हमने लिखा 2 × 10, 20 प्लस 3 बनाना है ना हमें, तो 2 × 10 लिखा, प्लस 3 कर दिया, बीच में जो नंबर था 3² 9 यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ गया, 23 प्लस 3 इज 26, और 26 का कर दिया डबल क्योंकि यहाँ पे इंटू 2 था, 26 का डबल 52, वो लेफ्ट में आ गया। 36 का आंसर बताइए क्या आएगा, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपकी, 3 × 10 30 प्लस 6 ये लिख सकते हैं इसको। तो 1% has given the answer अभी तक, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन मैंने बताया था जितनी जीरो बेस में होंगी उतनी डिजिट हम लिखेंगे, तो यहाँ पे एक जीरो है तो हम सिर्फ एक डिजिट लिखेंगे, दैट इज 6। तो जो 3 जाएगा उसको हम कैरी ले लेंगे, उसको बाद में देखते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 6² = 36, उसका मैंने एक डिजिट थी तो एक ही डिजिट लिखी क्योंकि एक जीरो थी यहाँ पे, 3 को मैंने कैरी में ले लिया। अब 36 प्लस 6 इज 42, 42 × 3 इज 126, और 3 कैरी जो था उसको सबसे लास्ट में ऐड करेंगे तो 126 प्लस 3 इज 129, 1296 विल बी द आंसर।
नाउ इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 36 को आप लिख लें 4 × 10 − 4, देन ऑल्सो इट विल बी करेक्ट। इससे भी करके देख लेते हैं एक बार, तो 4² = 16, 16 का हम 6 लिखें क्योंकि एक ही जीरो है हमारे पास, 1 कैरी चला जाएगा। 36 − 4 = 32, अब करेंगे 32 × 4, 32 × 4 = 128, 128 + 1 = 129, तो अगेन आंसर विल बी सेम। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को हम तीन तरीके से कर सकते हैं, आइदर 4 × 10 + 8 करिए या 5 × 10 − 2 करिए। तीसरा क्या है वो अभी बताता हूँ, पहले इन दोनों से करके देखिए। Either do it as 4 × 10 + 8 or 5 × 10 − 2। इन दो से तो आप कर ही सकते हैं जो कि हमने फोर्थ पार्ट में किया था। तीसरा तरीका मैं बता देता हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 × 100 − 2, क्योंकि 50 − 2 लिखना है और बेस हमेशा 10, 100, 1000 ऐसे चलेगा, तो बेटर टू राइट इट एज 1/2 × 100 क्योंकि उसमें आपको सिर्फ हाफ करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, −2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो जीरो है तो यहाँ पे दो डिजिट लिखनी पड़ेंगी, 04। 48 − 2 = 46 और यहाँ पे 1/2 है तो 46 को 1/2 कर दीजिए, 23, दैट विल बी 2304, दिस विल बी द फाइनल आंसर। समवन हैज देयर वीडियो ऑन प्लीज, वीडियो ऑफ कर लीजिए, इट वुड रिक्वायर ग्रेटर बैंडविड्थ, हेंस अपनी वीडियो और ऑडियो म्यूट पे रखिए, वीडियो भी ऑफ करिए। 117 को क्या करें, सीधा से 100 + 17 लिख लीजिए, इसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, पर उसके लिए 17 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, जो कि काफी लोगों को पता होता है, काफी को नहीं पता होता। तो एज आई सेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, 20 तक के स्क्वायर आपको याद रखने हैं, 17² = 289, लेकिन दो जीरो हैं तो दो ही डिजिट आएंगे, 89 आएगा लास्ट में, 2 कैरी में चला जाएगा। 117 + 17 = 134, 134 + 2 = 136, तो 13689, दैट विल बी द आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, 211, this will be simply written as 2 × 100 + 11, 11² = 121, उसका 21 आ जाएगा लास्ट में क्योंकि दो जीरो हमारे पास, 1 कैरी में चला जाएगा। 211 + 11 = 222, उसका डबल करना पड़ेगा, 222 का डबल = 444 + 1 = 445। और अब फाइनल वाले पार्ट पे आ गए हैं, तो सुकृत इज आस्किंग टू रिपीट एंड आई एम रिपीटिंग द सेवेंथ वन अगेन। 211 था, उसको हमने 2 × 100 + 11 लिखा, 11² = 121, लेकिन क्योंकि दो जीरो है तो हम सिर्फ दो ही डिजिट लिख सकते हैं, तो मैंने 21 लिखा और 1 कैरी में लिख लिया। 211 + 11 = 222, 222 का डबल किया तो हो गया 444 और 1 कैरी भी था, 444 + 1 = 445। रूल ध्यान रखिएगा, कैरी को सबसे लास्ट में ऐड करना है, ऐसा मत करना कि 221 + 11 और उसके बाद कैरी ऐड कर दिया, वो गड़बड़ हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम एट्थ पे, 991, तो ये तो सिंपल है, इसमें सीधा सा 1000 - 1 कर दीजिए, -9, 1000 - 9, 9² = 81,
यहाँ पे 3 0 है तो 3 डिजिट आएंगे, तो 081 लिख लीजिए। 991 माइनस 9 इज 982। तो ये हो गया हमारा बेस मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द स्क्वायर्स। इसमें कोई भी डाउट हो अभी तक किसी को तो बताइए, अदरवाइज आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड। So I'm assuming there is no doubt because no one has raised it yet. So let's move ahead. Next method to calculate square is duplex method. So कोई भी 2 digit का number हो उसका square आप निकाल सकते हैं, चाहे वो base के आसपास हो नहीं हो, 5 से end होता हो नहीं होता हो, any 2 digit number उसका square आप निकाल सकते हैं by using duplex method. For example, the number is this. U is unit digit and T is tens digit. तो इसमें आपको 3 step करने हैं। सबसे पहले step में आप करेंगे U square. Second step would be T into U और उसको double कर देंगे। Plus, if there is any carry, उसको add कर देंगे। And third step में आएगा T square, यानी tens digit square. Plus, if there is any carry from step 2, T1 and C2 are carry. U is the unit digit, T is the tens digit. Example से करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक आउटलाइन दी। तो 96 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे दिस इज यूनिट डिजिट, दिस इज टेंस डिजिट। सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर, 6 square is 36. 36 और 6 आ जाएगा, कैरी में आ जाएगा 3, यानी C1 की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 into 6 दैट इज 54। और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ट्वाइस भी करना है हमें, 54 into 2 दैट इज 108। प्लस कैरी हमारा था 3, तो 108 प्लस 3 दैट इज 111। 111 का आ जाएगा 1, 11 आ जाएगा इस बार कैरी में। अब थर्ड स्टेप हमारा टी स्क्वायर, यानी 9 square, 9 square इज 81 प्लस C2, यानी कैरी था यहाँ पे 11, तो 81 प्लस 11 इज 92, 9216। तो अगेन वी गॉट द सेम आंसर जो कि हमारा बेस मेथड से आया था। 38 स्क्वायर भी मैं समझा देता हूँ एक बार, नेक्स्ट दोनों आपको करने हैं। तो सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट स्क्वायर करना है, 8 square is 64, कैरी आ जाएगा 6। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 into 3 is 24, और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल जरूर करेंगे, तो 24 into 2 is 48, 48 प्लस 6 कैरी था तो दैट इज 54, 5 कैरी आ जाएगा। अब टेंस डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 3 square is 9, 9 plus 5 is 14, 1444। ड्यूप्लेक्स मेथड में कोई डाउट है तो बताइए। थर्ड और फोर्थ दो पार्ट रह गए हैं, वो खुद से आप ट्राई करिए एक बार, देन आई विल एक्सप्लेन। 23 स्क्वायर एक बार ट्राई करिए। Many of you have got the answer. चलिए 23 को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 3 square आएगा, 3 square is 9, कैरी कुछ बचा नहीं है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into 2 6, 6 का डबल हो जाएगा 12, कैरी में आ जाएगा 1। उसके बाद 2 square 4, 4 plus 1 is 5, 529। एंड लास्ट बचा 36। अभी हमने थोड़ी देर पहले बेस मेथड से भी सॉल्व किया था, अब हम ड्यूप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 6 square सबसे पहले करेंगे, 6 square is 36, कैरी आ जाएगा 3,
18 का डबल हो जाएगा 36, 36 प्लस 3 कैरी था तो 39, कैरी अगेन 3, उसके बाद 3 स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 3 इज 12. सो दैट इज द ड्यूप्लेक्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट नंबर. इट विल कवर ऑल द टू डिजिट्स, यानी आप 99 तक के स्क्वायर्स आराम से निकाल सकते हैं. तो आइदर यूज बेस मेथड, आइदर यूज ड्यूप्लेक्स मेथड, विच एवर यू फाइंड ईजी यू कैन यूज दैट. अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, विच इज मल्टीप्लीकेशन. तो स्क्वायर हमारे हो गए हैं, मल्टीप्लीकेशन की बात कर लेते हैं. सबसे पहला मेथड है मल्टीप्लीकेशन बाई 5. अब आप कहेंगे 5 तो बड़ा इजी है, इसमें क्या बड़ी बात है, बट जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू इवन टू मल्टीप्लाई विथ 5. फॉर एग्जाम्पल जो फिफ्थ वाला पार्ट है, you will take a lot of time in multiplying this number by 5, but by using the trick जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ उससे वो टाइम हाफ हो सकता है. तो सबसे पहले सबसे ईजी वाले से चलते हैं. पहले वाला 18 into 5, 18 का टेबल आपको आता ही होगा, 18 into 5 90 होता है. The trick that I am telling is, someone is unmuted himself, please go on mute. 18 into 5 करने के लिए सबसे पहले जो भी नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना उसको हाफ कर दीजिए. तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करना था, उसको हाफ कर दीजिए, 18 का हाफ होगा 9, और उसमें एक जीरो ऐड कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर. तो जिस नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो उसका हाफ कर दीजिए और उसमें एक जीरो लगा दीजिए, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि 18 इंटू 5 था, अगर मैं इसको इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. तो 5 into 2 is 10 और 18 by 2 is 9. तो हमने वही किया है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सिंपली जो भी नंबर होगा उसको आप हाफ करेंगे और इंटू 10 कर देंगे. तो 36 into 5 था, तो इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे तो. 36 का हाफ होगा 18 और 18 into 10 180. अब ऐसा कोई नंबर जिसका हाफ, मतलब जो इवन नंबर ना हो, यानी पॉइंट में उसका आंसर आए, जैसे 17 का हाफ इज 8.5, इंटू 10 करोगे तो क्या जाएगा, 85. तो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो दैट डजंट मैटर, आपको सिंपली हाफ करना है एंड उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना. अब थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 236 का हाफ होता है 118, इंटू 10 1180. अब इस पर आ जाते हैं, बताइए लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा. सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर रहा हूं. आकाश 682 आंसर कैसे लिखा, इंटू 10 कौन करेगा. तो 1364 का हाफ होगा 682 इंटू 10, 6820. So that is the simplest method of multiplication by 5. Similarly, next method है हमारा multiplication by 25. So जैसे 5 में हमने किया था divided by 2 multiplied by 10. यहाँ पे आप क्या करेंगे, divide it by 4 and multiply by 100. Divide by 4 multiply by 100. तो जैसे 18 था तो 18 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 बचेगा क्या, 2. उसके बाद 4 इंटू 5 और इंटू कर दीजिए 100, तो ये आ जाएगा 450. तो सिंपली सारे नंबर्स में आप ये कर सकते हैं, जो भी नंबर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए. तो 120 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 30 और इंटू 100 दैट इज 3000. थर्ड क्वेश्चन बताइए अब क्या आएगा. 1364 इंटू 25, 1364 डिवाइडेड बाई 4, 4 इंटू 3 होता है 12, बचा 1, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 1 4 3 41 आया, डिवाइड बाई 4 करके इंटू 100 341 00.
अब ऑड नंबर अगर हो जो फोर से डिवाइड नहीं होता तब कैसे करेंगे? तो फोर्थ क्वेश्चन, 289 डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा और इंटू 100 करके क्या आएगा वो देखिए। फोर एटी नाइन डिवाइडेड बाई 4, 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 2 8, 1 बचा 0.25, 72.25 आएगा। इंटू 100 कर दोगे तो 7225। दैट इज हाउ यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 25। नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट कैट के एग्जाम में तो कैलकुलेटर होता है तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं, बट देर आर टू आंसर टू दिस क्वेश्चन। वन दैट देर आर अदर एग्जाम्स इनमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स लाइक IFT और ZAT और NMAT, अब इनमें आ गया हो तो आई एम नॉट श्योर बट कुछ टाइम पहले तक तो नहीं था। एंड इवन इफ द कैलकुलेटर इज अवेलेबल इन कैट, स्क्रीन पे जब आप एक एक नंबर ऐसे प्रेस करेंगे तो इट विल किल अ लॉट ऑफ टाइम। आई हैव नेवर यूज द ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर व्हाइल अटेम्प्टिंग कैट, तो मैं हमेशा अपने माइंड से कैलकुलेट करता हूँ व्हेन एवर आई गो फॉर द टेस्ट। अगर कोई एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एक्सप्रेशन है तब अलग बात है, अदरवाइज आई हार्डली यूज द ऑनलाइन कैलकुलेटर। इसलिए ये ट्रिक सीखनी जरूरी है बिकॉज इट विल सेव योर टाइम। अगली ट्रिक पे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाई 125। तो 5 की पार में चलते हैं, चल रहे हैं हम। अगर आपने नोटिस किया सबसे पहले 5 था, उसके बाद 5 स्क्वायर था, अब 5 क्यूब आ गए। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई और 10 से 2 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया था, अब आ जाते हैं हम 8 पे। यहाँ पे हम 2 की पार में चलेंगे, 2 स्क्वायर 2 की। तो दिस डिवाइडेड बाय 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्योंकि क्यूब पे आ गए हैं। 10 की पार 3 करना है अपन, तो नंबर डिवाइडेड बाय 8 एंड देन फाइनली मल्टीप्लाई बाय 1000। अब बताइए इन तीनों के आंसर क्या आएंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का 18 into 125, 18 डिवाइडेड बाय 8 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1000। एट इंटू 216 बचेगा क्या, 2, तो दैट विल बी 2.25 और इंटू 1000 करेंगे तो दैट विल बी 2250। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सिमिलरली सेकेंड वाले पार्ट में 120 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 140 बचेगा तो 15 इंटू सीधा सीधा 30 15000 आ जाएगा, ये तो ईजी था। 289 ऑड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड वाले का आंसर बताइए, 289 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1000 ये करना है आपको थर्ड वाले। तो 8 इंटू 3 24 बचा 4, 8 इंटू 6 उसके बाद 125, 36.125 इंटू 1000 कर दोगे तो 36125। सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट सिंपली। अगर 625 हो जाएगा 5 to the power 4, यहाँ पे 2 to the power 4 हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा, तो दैट्स हाउ इट विल वर्क। तो इधर 5 की पार में है, इधर 2 की पार में है, और जैसे जैसे 10 की पार भी इंक्रीज होती जाएगी। तो दैट्स हाउ यू कैन मल्टीप्लाई विद 5 square, 5 cube एंड सो ऑन। अगले मेथड पे चलते हैं, बट ध्यान रखिएगा कहीं जाना नहीं है। तो अगले मेथड पे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय 11। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का बहुत ही इजी तरीका, वैसे तो 11 का टेबल भी कोई मुश्किल नहीं है बट उससे भी इजी एक तरीका है। जैसे 33 इंटू 11 करना था, तो जो भी नंबर है जैसे 33 है तो इधर भी 3 लिख लेंगे, इधर भी 3 लिख लेंगे और इन दोनों का जो सम है वो बीच में आ जाएगा। 3 प्लस 3 इज 6, सो दैट इज 363। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो लेफ्ट वाला नंबर है वो लेफ्ट में लिख लो, जो राइट वाला नंबर है वो राइट में लिख लो, बीच में इन दोनों का सम 3 प्लस 3। ये हो गया
11 से मल्टीप्लिकेशन। अब 64 को देख लेते हैं इंटू 11, तो ये आ जाएगा 6 और 4, 6 प्लस 4 होता है 10। तो जब भी यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 10 की जगह आएगा 0, एक कैरी जो है इस वाली डिजिट में आप ऐड करेंगे, तो 6 प्लस 1 ये कैरी इसमें ऐड कर देंगे तो 704 होगा। ये चीज ध्यान रखने की इसमें, दिस विल बी 704। अगर थ्री डिजिट का नंबर हो, जैसे 333 है इंटू 11, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट लेफ्ट में, राइट मोस्ट डिजिट राइट में। अब फर्स्ट और सेकंड डिजिट का सम करेंगे, 3 प्लस 3 इज 6, उसके बाद सेकंड और थर्ड डिजिट का सम करेंगे, 3 प्लस 3 इज अगेन 6, तो दिस विल बी द आंसर 3663। That is how you can very easily multiply any number with 11 by using this trick. इसमें आपको 11 का table use करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं अपने next method पे, again duplex method of multiplication. So this will multiply any two digit numbers. तो two digit number हमारे हैं यहाँ पे P1, U1, P2 and U2. इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले जो मैंने स्टेप लिखे हुए हैं 3, तो दो डिजिट के नंबर हमारे पास है, यू इज द यूनिट डिजिट, टी इज द टेंस डिजिट। सबसे पहले स्टेप में करेंगे हम दोनों यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई, जो कि हम नॉर्मली भी करते हैं। यू वन इंटू यू टू कर दिया हमने, सबसे पहला स्टेप ये था। अगले स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, यानी T1 इंटू U2 विच इज दिस वन एंड T2 इंटू U1 विच इज दिस वन, प्लस अगर पहले स्टेप से कैरी आया होगा तो उसको ऐड कर देंगे, C1 इज द कैरी फ्रॉम स्टेप 1। एंड थर्ड स्टेप में हम टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो T1 इंटू T2 प्लस इफ देयर इज एनी कैरी फ्रॉम स्टेप 2 देन वी विल ऐड इट। अभी आपको ये थोड़ा लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो हम पहले वाला मेथड यूज कर लेते, बट दिस विल गिव यू एन आंसर इन अ सिंगल स्टेप, आपको डबल स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे हो अभी बताता हूं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है 34 इंटू 76, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 4 होगा सबसे पहले, दैट इज 24, कैरी में आ जाएगा 2। इज देयर एनी इशू विद द वॉइस, समवन हैज सेड दैट वॉइस इज क्रैकिंग। 6 इंटू 4 इज 6 तो चल जाता है, कोई बात नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता वैसे इसका, बिकॉज इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू बेयर विद इट। इन केस समवन इज यूजिंग देयर वीडियो और समथिंग एल्स, वो एक बार उसको ऑफ कर लेना, मे बी इट्स अ प्रॉब्लम एट योर एंड, और अगर मेरे एंड पे प्रॉब्लम है तो देन इट कैन नॉट बी सॉल्व, बिकॉज BSNL का नेटवर्क मैं यूज करता हूँ, सो सरकारी कंपनी है तो यू कैन अंडरस्टैंड। एनीवे लेट्स गो बैक टू अवर एजेंडा। सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, 6 × 4 = 24 का 4 आ गया, कैरी में चला गया 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो 6 × 3 = 18, 7 × 4 = 28, 28 + 18 will be 46, 46 + 2 = 48, 48 का जाएगा 8, कैरी में चला जाएगा 4। उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 = 21 + 4 = 25। तो हमने एक ही स्टेप में पूरा आंसर निकाल लिया 2584। ये इसका थोड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है यूजिंग ड्यूप्लेक्स मेथड। अब सेकंड वाला एक बार बता देता हूँ मैं, 42 × 56, एक बार खुद से ट्राई करिए सेकंड क्वेश्चन 42 × 56, देन आई विल सॉल्व। मनप्रीत यू आर आस्किंग समथिंग बट आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। जब भी दो डिजिट आएंगे वी हैव टू कैरी द फर्स्ट वन ऑलवेज। दोबारा से मैं एक बार करके बताता हूँ,
6 × 2 था, 6 × 2 होता है 12, तो 12 का 2 आ जाएगा, 1 कैरी में जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 इज 24, 24 प्लस 5 × 2 इज 10, दैट इज 34 प्लस 1 इज 35, कैरी इस बार आएगा 3, और उसके बाद आएगा 5 × 4, 20, 20 प्लस 3 इज 23, सो दैट विल बी द आंसर 2352। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ, आप ड्यूप्लेक्स मेथड भी लगा सकते हैं, हाउएवर देर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो कि आप यूज कर सकते हैं। व्हेनेवर देर आर सच टू डिजिट नंबर जिनकी यूनिट डिजिट का सम 10 है, 7 प्लस 3 इज 10, और टेंस डिजिट दोनों में इक्वल है, उसके लिए ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कितने मेथड बता दिए सर, कहाँ याद रहेंगे, बट इफ यू मेक प्रॉपर नोट्स देन इट्स इजी टू रिमेंबर दीज मेथड्स, जो भी एग्जाम में क्लिक कर जाए उसी को यूज कर लेना। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेनेवर देर आर सच टू डिजिट्स नंबर जिनका यूनिट डिजिट का सम इज 10, जैसे 73 और 77, यूनिट डिजिट है 3 और 7, इनका सम है 10, और टेंस डिजिट दोनों में इक्वल है विच इज 7, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 7 × 3 = 21, वो एज इट इज लिख लेंगे राइट हैंड साइड पे, और जो ये डिजिट है ये डिजिट और इससे नेक्स्ट डिजिट 7 से नेक्स्ट डिजिट इज 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 7 = 56, वो आ जाएगा लेफ्ट साइड, दैट विल बी 5621। तो आइदर यू यूज ड्यूप्लेक्स मेथड और यू कैन सिंपली यूज दिस जो अभी मैंने आपको बताया। दोबारा से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 54 × 56 जो आपके फोर्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें यूनिट डिजिट का सम 10 है और टेंस डिजिट दोनों में सेम है विच इज 5, तो 6 × 4 = 24 एज इट इज आ जाएगा, और 5 से अगला नंबर होता है 6, 6 × 5 इज 13, 3024, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे विच इज क्यूब रूट। तो अभी तक हमने स्क्वायर्स देख लिए, अभी तक हमने मल्टीप्लीकेशन की कुछ टेक्निक्स देख ली, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब रूट्स ऑफ द नंबर्स। तो इसके लिए आपको 10 तक के क्यूब्स याद होने जरूरी हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 क्यूब तो सबको पता ही होगा, 2 क्यूब भी सबको पता ही होगा, 3 क्यूब कितना होता है मुझे नहीं पता, आप बता दो, समवन प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, 27, ओके। 4 क्यूब कितना होता है, 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब, अब यहां से रिप्लाई आने कम हो जाएंगे, 256 किसने लिखा है, 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब 329, शाबाश, 7 क्यूब इज 343, 329 क्यों लिख रहे हो भाई, 8 क्यूब बताओ, 8 क्यूब क्या होता है, 512 बता रहे हैं लोग, तो वही लिख लेते हैं हम, 9 क्यूब, व्हाट इज 9 क्यूब, 729, ऑल राइट, सो 9 तक के क्यूब्स आपको याद रखने हैं, तो जिनको नहीं याद थे वो ये लिस्ट एक बार बना लेना। सो नाउ कम बैक टू आवर फर्स्ट पार्ट, 6859 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इस नंबर को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो राइट मोस्ट 3 डिजिट्स हैं उनको अलग कर लीजिए, तो बाकी नंबर को अलग कर लीजिए। तो वी हैव डिवाइडेड द नंबर इनटू टू पार्ट्स, राइट मोस्ट 3 डिजिट्स एक पार्ट में और बाकी पूरा नंबर दूसरे पार्ट में। अब देखिए इसकी लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इज 9। अब इस लिस्ट पे आ जाइए, यहाँ पे चेक करिए 9 किसके क्यूब में आता है, 9 किसके क्यूब में आता है, लास्ट में 9 आता है 9 के क्यूब में, जिसके क्यूब में वो आएगा लास्ट में उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो 9 के क्यूब में आता है तो 9 लिख लिया हमने,
अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर बचा है 6। तो अब चेक करते हैं कि 6 तक का हाईएस्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा है। 6 तक का हाईएस्ट परफेक्ट क्यूब इज 1, उसके बाद तो 8 आ जाता है। अब 1 किसका क्यूब है, 1 है 1 का क्यूब, तो यहां पे आ जाएगा 1। तो दैट मींस द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सॉरी क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 19। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप 1, डिवाइड द नंबर इनटू टू पार्ट्स, लास्ट 3 डिजिट अलग, बाकी पूरा नंबर अलग। उसके बाद हमें देखना लास्ट डिजिट इज 9। फिर हम इधर लिस्ट में आ जाएंगे, राइट हैंड साइड पे जो हमने बनाई है, 9 किसके लास्ट में आता है, 9 आता है 729 के लास्ट में, विच इज 9 क्यूब। तो ये 9 जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, जो कि हमारा यूनिट डिजिट बन गया आंसर का। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर पे आए, हमने देखा दिस इज 6। तो हम देखेंगे 6 तक का, इस नंबर तक का हाईएस्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट परफेक्ट क्यूब 1 है, 1 किसका क्यूब होता है, 1 का। तो ये जो 1 है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो द आंसर इज 19। एक बार चेक कर लो, 19 का क्यूब ही होता है। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, सेकेंड पार्ट भी मैं सॉल्व कर देता हूं। देन आफ्टर सेकेंड पार्ट द नेक्स्ट टू पार्ट्स विल बी सॉल्व बाय यू पीपल। सेकेंड पार्ट है 17,576। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स को अलग, बाकी नंबर को अलग। अब देखेंगे लास्ट डिजिट है यहाँ पे 6। अब इसमें आ जाता है 6 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, विच इज 6 क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, लेफ्ट हैंड साइड पे है 17। 17 तक का हाईएस्ट परफेक्ट क्यूब इज 8। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो 2 आ जाएगा इधर, द आंसर इज 26। थर्ड और फोर्थ पे आ जाते हैं, थर्ड पार्ट इज 74,088। समवन इज सेइंग 41, समवन इज सेइंग 42। बाकी लोगों का क्या आंसर है, 41, 42। ओके, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग 42। तो देखते हैं, फिर से वही काम करेंगे, 88 यानी 088, लास्ट 3 डिजिट अलग की, बाकी नंबर अलग किया। यूनिट डिजिट है 8, जो कि आती है यहाँ पे 2 के क्यूब में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। लेफ्ट में बचा 74, 74 तक का हाईएस्ट परफेक्ट क्यूब है 64, जो कि होता है 4 का क्यूब, तो इधर आ जाएगा 4। फोर्थ पार्ट, If someone has any doubt, you can type in the chat box. Fourth part का answer क्या है? फोर्टी फाइव बता रहे हैं लोग। लेट्स ट्राई इट। दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, लास्ट में फाइव, फाइव आता है फाइव के क्यूब में, तो फाइव आ जाएगा हमारा यूनिट डिजिट में। इधर बचे 91, 91 तक का हाईएस्ट परफेक्ट क्यूब इज 64, 64 होता है 4 का क्यूब, दैट मींस द करेक्ट आंसर इज 45। सो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ द नंबर। ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस ट्रिक विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द परफेक्ट क्यूब्स। जितने भी ये क्वेश्चन हैं, नंबर्स हैं क्वेश्चन में, ऑल दीज आर परफेक्ट क्यूब्स, तो उन्हीं पर ट्रिक काम आएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे, जो कि आज की हमारी लास्ट ट्रिक है, टाइम भी होने वाला होगा। यस, वी आर ऑलमोस्ट डन। तो स्क्वायर रूट और निकाल लेते हैं हम, जैसे हमने क्यूब रूट में किया था, सिमिलरली मेथड है, बस थोड़ा सा इससे लेंथी पड़ेगा वो। क्यूब रूट में हमने लास्ट 3 डिजिट अलग करी थी, स्क्वायर रूट में हम लास्ट 2 डिजिट अलग करेंगे। तो अगेन डिवाइड द नंबर इन टू पार्ट्स, लास्ट 2 डिजिट अलग, बाकी पूरा नंबर अलग। फिर से हम वही लिस्ट बना लेते हैं, 1 स्क्वायर is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25,
कुछ लोग सोच रहे हैं सर इस बार तो पूछ ही नहीं रहे हो, स्क्वायर तो मुझे भी आते हैं इसलिए नहीं पूछ, क्यूब नहीं आते थे। 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, and 9 square is 81. So this is the list. तो सबसे पहले हमने देखा दो डिजिट को अलग किया लास्ट, बाकी नंबर अलग किया, अब फिर से वही चेक करेंगे लास्ट डिजिट इज 4। अब स्क्वायर रूट में आपको इश्यू आएगा कि 4 जो है वो दो नंबर्स के स्क्वायर में आएगा, यहाँ पे भी आता है 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में भी आता है। दैट मींस माय यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर इज आइदर 2 और 8, इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। अब कौन सी होगी वो देखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी नंबर है 7, तो फिर से वही काम करेंगे जो क्यूब वाले उसमें हमने किया था, क्यूब रूट। तो 7 तक का हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखिए, 7 तक का हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 4। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, यानी 10th डिजिट पे आ जाएगा 2। तो माय आंसर इज आइदर 22 और इट इज 28। नाउ हाउ टू डिसाइड वेदर इट इज 22 और इट इज 28। तो सबसे इजी तरीका है कि 25 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 25 का स्क्वायर निकालना तो आसान है क्योंकि लास्ट में 5 है। तो अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया था जिस नंबर के भी लास्ट में 5 आ जाता है उसमें हम क्या करते हैं, 5 स्क्वायर इज 25 और 2 से अगला नंबर होता है 3, 3 इंटू 2 6। तो हमें पता है कि 25 का स्क्वायर होता है 625, यहाँ पे नंबर है 784। तो क्या ये नंबर 25 से ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे 784 है, विच इज ग्रेटर देन 625। तो माई आंसर विल बी 28 एंड नॉट 22। दैट इज हाउ यू कैन गेट टू द राइट आंसर। अब आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। मनप्रीत इज आस्किंग दैट सेम थिंग जो मैंने आपको बताई थी, दिस ट्रिक विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। यूजुअली एग्जाम में वही नंबर कैलकुलेशन में आते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इन केस यू आर नॉट श्योर देन आपको फिर ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज कन्वेंशनल तरीके यूज करने पड़ेंगे। बट ऑप्शंस देख के आपको क्लियरली पता लग जाएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल 28 होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, तभी 28 आया है, अदरवाइज कुछ पॉइंट में ऑप्शन आएगा। हेंस यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई एंड यूज दीज ट्रिक्स। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं 1, 2, 9, 6। तो दो पार्ट में डिवाइड किया, लास्ट में 6, तो 6 कहाँ कहाँ पे आता है, 6 आता है 36 में, और भी कहीं 6 आता है, 4 में भी आता है। तो आइदर इट इज 4 और इट इज 6। लेफ्ट में बचा 12, तो 12 तक का हाईएस्ट स्क्वायर होता है 9, विच इज 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो माई आंसर इज आइदर 34 और इट इज 36। इसके लिए हम क्या करें, 35 स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 स्क्वायर 25, 4 इंटू 3 12, 35 स्क्वायर इज 1225, यहाँ पे 1296, दैट मींस माय नंबर विल बी ग्रेटर देन 35, द आंसर इज 36। अब थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से इज 3969, बताइए आंसर क्या आएगा। लास्ट में 9 है, 9 आता है 3 में, 9 आता है 7 में, इधर है 39, 39 तक हाईएस्ट स्क्वायर इज 36, विच इज 6 स्क्वायर। तो इधर इट इज 63 और इट इज 67, तो क्या करें, 65 स्क्वायर निकालें। 5 स्क्वायर इज 25, 6 इंटू 7 इज 42, यहाँ पे 39 विच इज लेस, तो लेस वाला जो नंबर होगा वो आंसर आ जाएगा, विच इज 63। और अब आज का फाइनल क्वेश्चन विच इज 10816, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। People are saying 104 as the answer. Let me see. यहाँ पे 16 के लास्ट में आता है 6. That means either it is 4 or it is 6.
इधर बचा 108, 108 तक का हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 100 विच इज 10 स्क्वायर, तो आइदर इट इज 104 और इट इज 106, तो 105 स्क्वायर निकाल लेते हैं। 105 स्क्वायर लास्ट में आ जाएगा 25, 10 इंटू 11, 110, 11025, दिस इज 110, दिस इज 108, हेंस स्मॉलर नंबर विल बी द आंसर 104. So that brings us to the end of this session. I hope you enjoyed the tricks that have been told in the session. दोबारा से revise कर लेते हैं, एक बार वापस चलते हैं. Square root हो गया हमारा, cube root हो गया, multiplication का duplex method to multiply the two digit numbers, multiplication by 11 और ये शक्तिमान, और multiplication by 125, duplex method of calculating the square, base method of calculating the square. तो square तो आप बहुत सारे निकाल सकते हैं आज, आज की क्लास के बाद. numbers ending with 5 सबसे easy था ये. अरे एंड हो गई है भैया क्लास, अब रहने दो, ये बार बार आ जाते हैं अपना बंदूक लेके. एंड दिस इज द एजेंडा, आई एम अगेन टेलिंग यू वट वी आर गोइंग टू डू इन दिस 10 सेशन. आज की क्लास वॉज अ वार्म अप सेशन, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ही एग्जाम में आएगा, बट बिटवीन द कैलकुलेशन इट विल बी हेल्पफुल. डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने में, स्पेशली इन द एग्जाम लाइक आईएफटी जो कि कैलकुलेशन इंटेंसिव होता है डीआई उसका, तो उसमें ये काफी ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी. देन इन द सब्सिक्वेंट सेशंस विल मूव ऑन टू द एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन, परसेंटेजेस, रेशियो, मिक्सचर प्रोपोर्शन एंड आरसीज, पैरा जंबल्स एटसेट्रा. तो उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज इसलिए मैं दे रहा हूँ, सो दैट यू आर होलिस्टिकली डेवलप्ड. माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द एग्जाम क्वेश्चन, बट उसके बाद की चीजें भी हैं. इसीलिए बुक रिव्यू, मूवी रिव्यू और आरसी प्रैक्टिसेस एंड रीडिंग आर्टिकल्स मैं देता रहता हूँ, सो दैट जो आगे का प्रोसेस है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. नो कोचिंग सेंटर विल फोकस दिस मच ऑन देयर स्टूडेंट्स. तो इस सब के बाद भी इनकेस समवन इज पेइंग थाउजेंड ऑफ रुपीज इन द कोचिंग, देन वी कैन ओनली हैव टू मिनट साइलेंस फॉर सच पीपल. बाकी तो और कुछ कर नहीं सकते, बट दिस विल हेल्प यू अ लॉट. सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास विच मोस्ट प्रोबेबली बी ऑन टुमारो. आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप. समवन हैज आस्क्ड हाउ टू डिवाइड एनी नंबर बाय शॉर्टकट मेथड. डिविजन में कहाँ इतनी जरूरत पड़ती है, डिविजन तो वैसे ही ईजी होता है. शॉर्टकट उसके होते हैं लेकिन आई डोंट थिंक इट सेव्स द टाइम. डिविजन आप ऐसे ही कर लेना. बट दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन, विल मीट टुमारो. सो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग. आई एम एंडिंग दिस क्लास नाउ.